हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से यहां पे जब भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या तो फिर गूगल एंडिक कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं तो यहां पे आपको कांट डाउनलोड करके प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर लिखा रहता है कांट डाउनलोड करके, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपको प्ले स्टोर में क्यों देखने को मिलता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा गाइस, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम रहता है वो आपको नेटवर्क कनेक्शन की वजह से आता है। तो ऐसा करने से आपको, मतलब अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क कनेक्शन सही रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन कर लीजिए गाइस, और उसके बाद जो है आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्ले स्टोर। तो इस तरीके से आप जो है लिख लीजिए प्ले स्टोर करके, और उसके बाद जो है आपके सामने जो गूगल प्ले स्टोर है वो आ जाता है गाइस। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको स्टोरेज में जाना है और यहाँ पे आपको सबसे नीचे में क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लियर कैचे कर देना है। तो क्लियर कैचे कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ओके। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बस आप जो है इस तरीके से प्ले स्टोर को क्लियर कैचे कर लीजिए, उसके बाद आपको दोबारा से जो है जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप जो है प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।